नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस के 271 नए मामले मिले तथा संक्रमण के कारण 3 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई। वहीं संक्रमण दर 2.07% पर आ गई। बता दें कि गुरुवार को 271 और मरीज मिलने के बाद कुल मामले 19,99,888 हो गए, जबकि मृतक संख्या 26,472 पहुँच गई है। बता दें कि गुरुवार को 271 और मरीज मिलने के बाद कुल मामले 19,99,888 हो गए, जबकि मृतक संख्या 26,472 पहुंच गई है। बुलेटिन के मुताबिक विभिन्न अस्पतालों में कोविड के मरीजों के लिए आरक्षित 9,405 बिस्तरों में से 211 पर ही संक्रमित भर्ती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी भ्रष्टाचारी को कैसे बचा सकता है, खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। वहीं तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे देश में 1000 से अधिक बीजेपी के विधायक है, 300 से अधिक सांसद है। आज तक एक भी बीजेपी के सांसद या एक भी विधायक के घर ED इनकम टैक्स का छापा क्यों नहीं पड़ा। झारखंड कैबिनेट ने आगामी 5 सितंबर को विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि इस दौरान सरकार एक बार फिर विश्वास मत साबित करेगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह हेमंत सोरेन की सरकार भी विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पारित कर ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि अभी बिहार की राजनीति 180 डिग्री पर घूमी है, अभी इसका और घूमना बाकी है। बिहार की राजनीति में बहुत जल्द उलट फेर होगा। कहा कि पिछले दिनों बिहार में जो राजनीति भूचाल आया था, उसके बाद अभी और भूचाल आना बाकी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोगों की शिकायतों का समाधान करने में विफल रहने वाले 73 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन पर लगे लापरवाही के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इनमें 10 विभागाध्यक्ष, 5 आयुक्त, 10 जिला मजिस्ट्रेट, 5 विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, 5 नगर आयुक्त और 10 तहसीलदार शामिल है। इनके अलावा 3 ADG और IG, 5 IG और DIG, 10 कमिश्नरेट के साथ ही 10 पुलिस थानों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोएडा की पॉश सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों में आए श्रीकांत त्यागी के मामले को लेकर राजनीति जारी है। इसमें शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन श्रीकांत के परिवार से मिलने सेक्टर 93 स्थित सोसाइटी में पहुंचा। श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलने के फैसले से नाराज होकर नोएडा महानगर उपाध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और साथ ही कई आरोप भी लगाए हैं। सीमा पर तनातनी और हिंदी महासागर के क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच नौसेना में समुद्र का बादशाह INS विक्रांत आज शामिल हो गया है। INS विक्रांत करीब 20,000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। इसका डिजाइन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया और सार्वजनिक क्षेत्र की कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। समुद्र के बादशाह इस युद्धपोत के भारतीय नौसेना में शामिल होने के साथ ही भारत अब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण किया। ये भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विक्रांत भारत के बुलंद हौसले का हुंकार है। विक्रांत बड़ा और भव्य है, विक्रांत अलग है, विक्रांत विशेष है। विक्रांत सिर्फ एक युद्ध पोत नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत की कड़ी मेहनत, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल फिलहाल चर्चा में है। दरअसल भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने वहां कैदियों को परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी के लिए 5-स्टार रेटिंग दी है। FSSAI की ओर से पैनल में शामिल थर्ड पार्टी के ऑडिट ने जेल को 5-स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट दिया। यहाँ वहाँ की जेल के खाने की क्वालिटी और सफाई का सबूत है। आप विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल देश भर में भाजपा की ओर से ऑपरेशन लोटस के जरिए राज्य सरकारों को स्थिर करने पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति से मिलना चाहता है। भाजपा ने पूरे देश में 277 विधायक दूसरी पार्टियों के खरीद कर कई राज्य सरकारों को गिराया है। दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस के तहत 40 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। भाजपा की ओर से लगातार देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने कहा है कि कांग्रेस देश की एकमात्र पार्टी है जिसके अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है। राजस्थान प्रभारी मकान दिल्ली में 4 सितंबर को पार्टी की प्रस्तावित हल्ला बोल रैली की तैयारियों का जायजा लेने गुरुवार को जयपुर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होना है।
केंद्र सरकार ने बीते 8 वर्षों में मनरेगा योजना पर 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस खर्च को 20% कोरोना महामारी के दौरान व्यय किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में गुरुवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, बीते 8 वर्षों में तेलंगाना को मनरेगा के तहत 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी अवधि में पूरे देश में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से 20% से अधिक 2020 से 21 के दौरान कोविड-19 के प्रकोप के वक्त खर्च किए गए। भारतीय नौसेना का निशान बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। नौसेना के नए ध्वज से अंग्रेजों के जमाने का सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। नौसेना का नया ध्वज औपनिवेशिक अतीत से दूर है और भारतीय मैरिटाइम हेरिटेज से परिपूर्ण है। अभी तक नौसेना का निशान सफेद फ्लैग था, जिस पर क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज बना हुआ था। अब इस रेड क्रॉस की जगह इसके बीच में अशोक चिन्ह बना था, ऊपर बाईं ओर तिरंगा लगा था। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट कोहली ने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अलीबाग में एक आलिशान फार्म हाउस खरीदा है, जो कि करीब 8 एकड़ में बना हुआ है। इसकी कीमत की बात करें तो यह करीब 19 करोड़ 24 लाख 50 हजार रुपए का है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 15 लाख की राशि सरकारी खजाने में पहले ही जमा करा दी गई। यह सौदा समीरा हैबिटेट्स नाम की एक जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी ने किया था। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी के कई हिस्सों में बिजली और गरज के साथ हल्की सी मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी और बिहार में अगले 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। वहीं 2-3 सितंबर तक उत्तराखंड में हल्की बारिश और 4 सितंबर को अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार के उन हिस्सों में मानसून के लौटने से पहले अभी और वर्षा हो सकती है, जिनमें इस मौसम में अभी तक पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। देश में बेरोजगारी दर अगस्त में एक साल के उच्च स्तर 8.3% पर पहुंच गई। इसी दौरान रोजगार पिछले महीने की तुलना में 20 लाख घटकर 39.46 करोड़ रह गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में बेरोजगारी दर 6.8% थी तथा रोजगार 29.7 करोड़ था। उन्होंने कहा, अगस्त में शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 9.6% और ग्रामीण बेरोजगारी दर बढ़कर 7.7% हो गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के माध्यम से 714 पदों को भरा जाएगा। जो उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in.careers पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 सितंबर 2022 है। इस भर्ती के लिए परीक्षा 1 अक्टूबर 2022 को आयोजित की जाएगी। 1 सितंबर भारत ने ब्रिटेन से आयातित लगभग 25 करोड़ डॉलर के सामान पर विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत जवाबी सीमा शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। भारत ने इस्पात उत्पादों पर ब्रिटेन द्वारा अंकुश लगाने से संबंधित मामले में मुआवजे को लेकर कोई समझौता नहीं होने की स्थिति में यह कदम उठाने की बात कही है। भारत ने 2024 तक कुछ स्टील उत्पादों के आयात पर रक्षा पर शुल्क और कोटा अंकुश बढ़ाने के ब्रिटेन के कदम पर विश्व व्यापार संगठन में चिंता जताई है। भारतीय टीम एशिया कप 2022 में अपने सुपर 4 मैच की तैयारी कर रही है, जहां उसका सामना पाकिस्तान या हांगकांग से हो सकता है। लेकिन इस बीच रोहित ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट किया है। रोहित ने जो फोटो डाला है वो किसी फिल्म के पोस्टर की तरह है, जिसमें रोहित अकेले हैं और फोटो पर लिखा है मेगा ब्लॉकबस्टर। साथ ही लिखा है कि ट्रेलर 4 तारीख को रिलीज होगी। रोहित ने कैप्शन में लिखा, मैं थोड़ा घबरा रहा हूं, एक तरह का डेब्यू है। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को इस बार कुछ अलग ढंग से मनाने जा रही है। इसके उपलक्ष्य में पखवाड़े भर चलने वाले सेवा अभियान के तहत सभी जिलों में अनेकता में एकता उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान 17 सितंबर को मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुरू होगा और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर समाप्त होगी। इसकी निगरानी के लिए पार्टी महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में 8 सदस्यीय केंद्रीय समिति का गठन किया गया है। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनकी मां ने बीते दिन एक प्रेयर मीट का आयोजन किया था। इस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला की मां को ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में पूजा करते हुए देखा गया। यहां पर सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने सबके साथ मिलकर अपने बेटे की आत्मा की शांति की दुआ की। एक यूजर ने सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए लिखा, तुम्हारी यादों के फूलों को मुरझाने नहीं देंगे हम, हमने अपनी आंखें रखी है यादों के फूलों में पानी देने के लिए, मिस यू भाई। भारत ने दुनिया भर में 24 मिशनों में 3000 पुलिस कर्मियों का योगदान दिया है। ये बात इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा, भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पहले महिला दल को तैनात किया था। शांति बनाए रखने के लिए मेजर जवान राज्यों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इस साल 2022 में 2 सितंबर को शुक्रवार के दिन 14वां वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जा रहा है। बता दें कि नारियल उत्पादक देशों के अंतर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय की स्थापना को चिन्हित करने के लिए विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, जिसे पहली बार एशिया प्रशांत नारियल समुदाय द्वारा 2 सितंबर 2009 को मनाया गया था।
पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से महंगाई चरम पर है। मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान राहत के लिए भारत से व्यापार शुरू करने का इच्छुक है। पाक सरकार को कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सलाह दी है कि फौरी राहत के लिए भारत के साथ व्यापार शुरू करे। पाकिस्तान सरकार भी अपने गठबंधन के साथियों व फौज के साथ विचार विमर्श कर रही है। लोकप्रिय कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद एम्स में एडमिट कराया गया था। लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो कॉमेडियन पर इलाज का असर हो रहा है, वो डॉक्टरों के इलाज का रिस्पांस कर रहे हैं। बता दें कि शरीर के कुछ अंगों में हरकतें हुई थी, हालांकि अभी वो बेहोश है। राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ने पर इलाज के लिए एम्स के आईसीयू में भर्ती होने के 15 दिन बाद होश आया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दोपहर करीब 12:43 बजे अंडमान और निकोबार द्वीप में 108 किलोमीटर उत्तर पूर्व डिगलीपुर में 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार सुबह पुणे में ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए बैठक बुलाई थी, जहां उन्होंने बताया कि चांदनी चौक पर बने पुल को अगले 2-3 दिनों में गिरा दिया जाएगा और उसी जगह नया पुल बनाया जाएगा, जिसका उद्घाटन अगले साल जून में किया जाएगा। साथ ही पुणे से रूड अहमदानगर औरंगाबाद मार्ग पर 3 मंजिला फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। साथ ही पुणे शहर से कई शहरों के रूट में बदलाव किए जाएंगे। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्वाचन के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर याचिका को किसी अन्य राज्य में भेजने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट ही करेगा। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद शुभेंदु अधिकारी ने याचिका को वापस ले लिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। महिंद्रा 8 सितंबर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार XUV 400 लॉन्च करने जा रही है। एक बार चार्ज करने पर इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है। चीनी कार कंपनी बिल्ड योर ड्रीम्स फेस्टिव सीजन से पहले भारत में पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर सकती है। ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार होगी, यह भारतीय बाजार में MG ZS EV जैसे कारों को टक्कर देगी। देसी कोरोना वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदारसी पूनावाला के अनुसार पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमावायरस वैक्सीन सर्वैक्स सबसे सस्ता टीका होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू कुमार, आशुतोष ओझा, मंतोष कुमार, रघुनाथ प्रसाद, रवि शंकर, भीषम कुमार, मोहम्मद नौशाद रज्जा, पंकज कुमार, राजकुमार कुशवाहा, जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारतीय नौसेना का निशान बदले जाने पर आपका क्या कहना है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।